दीपिका और रणबीर की शादी के बाद अब प्रियंका चोपड़ा भी अपनी शादी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों 12 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा जोधपुर की लोकेशन देखने गई थी, जहां उनकी बेटी की शादी होगी। मधु चोपड़ा ने जोधपुर में उन्हें उम्मेद भवन और मेहरानगढ़ किले की तैयारियों का जायजा लेते हुए देखा गया है। एक तरफ तो जहां शादी की तैयारियों में बिजी है प्रियंका, तो वहीं दूसरी तरफ निक जोनस को लेकर बुरी खबर आई है। जी हां, शादी की खबरों के बीच निक जोनस ने सोशल मीडिया पर अपनी 3 साल पुरानी बीमारी को लेकर खुलासा किया है, जिसे जानने के बाद किसी को भी लग सकता है झटका। तो आइए जानते हैं आखिर कौन सी बीमारी से जूझ रहे हैं निक जोनस। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि निक जोनस डायबिटीज से ग्रस्त हैं, लेकिन अभी भी कंट्रोल में है। इस बात की सूचना निक ने खुद ट्विटर पर शेयर करके बताई है। निक ने लिखा है, निक आगे बताते हुए कहते हैं कि मैंने इस बीमारी को कंट्रोल किया हुआ है, इसके लिए मैं अपने परिवार और फैमिली को शुक्रिया अदा करता हूँ। जानकारी के लिए बता दूँ कि निक पहले से ही प्रियंका ने सोशल मीडिया पर अपनी बीमारी की जानकारी देते हुए बताया था कि मैं 5 साल की उम्र से ही अस्थमा से पीड़ित हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत मदद की, हर दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैंने इस बीमारी के बारे में कभी नहीं छुपाया। जैसे हम जानते हैं कि दीपिका और रणबीर की शादी के बाद प्रियंका और निक की शादी जोर शोरों से चल रही है। प्रियंका चोपड़ा मंगेतर निक जोनस के साथ जोधपुर में ताज उम्मीद भवन पैलेस में 7 फेरे लेने वाली है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो पे शेयर, कमेंट और लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही न्यू लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए घंटा बटन दबाएं।